ये दोनों तरह से मलाई से मैंने घी निकाला है, गैस पे भी और माइक्रोवेव से भी। हेलो फ्रेंड्स, भारतीय किचन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपको बताऊंगी मलाई से घी निकालना। ये मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी, एक तो माइक्रोवेव में और एक गैस पर। और इस मलाई से जो घी निकलता है उसके बाद जो मावा बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरीके से बनता है, उससे क्या क्या बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से माइक्रोवेव में बनाते हैं। फ्रेंड्स, माइक्रोवेव में मलाई सेकने के लिए मेरे पास है ये एक प्याला मलाई। ये मलाई 5-7 दिन की है, मैंने फ्रिज में इसको दूध में से निकाल कर इकट्ठा कर लिया था। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख लीजिए, आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। फ्रीज़र में रखेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं, और फ्रिज में रखेंगे तो आप 5-7 दिन से ज़्यादा पुरानी मलाई यूज़ नहीं करें, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो और मलाई को जब सेकनी हो तो थोड़ी देर पहले आप फ्रिज में से निकाल कर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद आप इसको सेकें। तो अब इसको डाल देते हैं एक बाउल में, बड़े वाले बाउल में। तो फ्रेंड्स, मलाई को मैंने इस बड़े प्याले में डाल दिया है। बड़े प्याले में इसलिए क्योंकि जब मलाई माइक्रोवेव में रखेंगे तो ये गर्म होकर ऊपर उफनेगी और बाहर निकलेगी, तो इसके लिए आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन ही लें और हमेशा माइक्रोवेव बाउल ही यूज़ करें। और अब मैं आपको बताऊंगी इसे माइक्रोवेव में किस तरीके से रखना है। ये माइक्रोवेव का माइक्रो लेवल है, इसमें आपको ये दिख रहा है इसका टेम्परेचर 90, 80, 70, 60, 50, 50 पे आपको इसको रखना है और इसका गेट खोलना है, माइक्रोवेव का गेट खोलना है। माइक्रोवेव का गेट खोलकर इस मलाई को आपको माइक्रोवेव में रखना है। माइक्रोवेव बंद कर देना है और स्विच ऑन कर देना है। बीच बीच में इस मलाई को निकाल कर हमें हिलाते रहना है। इस तरीके से हिलाते रहेंगे इसको बीच बीच में, हर एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के बीच में निकालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। बीच बीच में हिलाने से ये खिला खिला मावा जैसे बन जाता है, जमता नहीं है एकदम। और हमेशा इस गरम गरम बाउल को डायरेक्ट स्लैब पे नहीं रखना है, कोई कपड़ा बिछाकर उस पर रखना है इसको। वापस इसको माइक्रोवेव में रख देंगे, अभी और सेकना है हमें इसको। फ्रेंड्स, हमारे मलाई को सेकते हुए 15 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, ऊपर ऊपर इसमें घी आ रहा है। ये देखिए, अच्छे से हिला के देखते हैं, दिख रहा है ना, बिल्कुल बाजार जैसा मावा। और ये देखिए, ये इसमें से घी साइड में आ रहा है। अब इसको हम छान लेंगे। ये एक प्याला है, इसमें हम छन्नी रखेंगे, कोई से भी छन्नी ले लीजिए आप अपने घर में हो जो। और ये डालेंगे, इस तरीके से इसको छान लेंगे, मावा मावा ऊपर रह जाएगा और घी घी नीचे चला जाएगा। मावे में से इस मावे में से मैंने ये घी निकाल लिया है। अच्छा, छन्नी में दबा दबा के मैंने अच्छे से घी को निकाला है। अब इस वाले को थोड़ा सा और सेकेंगे, पर ध्यान रहे फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, बस बादामी कलर का ही इसको सेकना है। और इसको ठंडा होने के बाद फ्रिज में स्टोर करके आप 15 दिन तक भी काम में ले सकते हैं। किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी में डाल सकते हैं, किसी मिठाई में डाल सकते हैं, जैसे मूंग थाल बनाना हो आपको घर में,
या गाजर का हलवा बनाना हो, या इसके मावे के लड्डू भी बना सकते हैं, बूरा मिला के इसके लड्डू भी बनाए जा सकते हैं, और या फिर इसमें थोड़ा सा दूध और डालकर, चीनी डालकर इसकी बर्फी भी जमाई जा सकती है। मैं रख रही हूँ इसको वापस से माइक्रोवेव में। एक दो मिनट और करेंगे इसको और फिर हमारा मावा तैयार हो जाएगा। वाह, बहुत अच्छा बादामी कलर का हमारा मावा सिककर तैयार हुआ है। अब इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं सेकना है। 20 मिनट लगे हैं हमारे टोटल पहले में और अब सेकने में। अब इसको थोड़ा सा और घी इसमें निकाल लेंगे। इसमें से अगर कुछ और थोड़ा बहुत घी निकलता है तो निकाल लेंगे, नहीं तो इसी तरीके से इसको रहने देंगे। इस तरीके से दबाकर, ये देखिए निकला है, बहुत सारा घी निकला है। और इस बचे हुए मावे को अलग से रख लेंगे। फ्रेंड्स, अब आपको मैं बताऊंगी गैस पर किस तरीके से मलाई को सेक कर उसमें से घी निकाला जाता है और उसका मावा भी बनाया जाता है। चलो बनाना चालू करते हैं। ये एक कटोरी, एक प्याला मैंने मलाई ली है जिसको मैंने 4-5 दिन तक स्टोर करके रखा था फ्रिज में। अब गैस ऑन करते हैं और कढ़ाई में डालते हैं ये मलाई। मलाई को डालने से पहले मैंने अच्छे से फेंट लिया था जिससे कि ये फूल गई। इस तरीके से लगातार एक ही साइड पर हिलाते हुए इसको फुला लेना है। गैस को हाई पे रखना है और लगातार इसको हिलाते रहना है। जब ये गाढ़ी होने लगे तो गैस को थोड़ा धीमी कर देंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको सिकने में। ये देखिए हमारी मलाई गाढ़ी हो गई है। पहले हमने इसको तेज फ्लेम पे सेका था लगातार हिलाते हुए, और अब ये गाढ़ी हो गई है तो हमने इसकी फ्लेम धीमी कर दी है और इसको लगातार हिलाते जाना है, नहीं तो ये नीचे से लग सकता है। ये देखिए हमारी मलाई ने घी छोड़ दिया है और ये मावा सा बन गया है। इस समय पर हम एक बार गैस बंद कर देंगे और इसमें से निकाल लेंगे घी। अब इस कढ़ाई को उतार लेंगे हम एक स्टैंड पर और एक कटोरी में चम्मच से लेते हुए इसका घी निकालेंगे। इसमें डालते जाएंगे और छन्नी से छान लेंगे इसको। इस तरीके से दबाकर जितना भी घी होगा अच्छे से निकाल लेंगे इसमें। इस मावे को किसी दूसरे प्लेट में रख लेंगे। इस तरीके से सारा छान लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये गैस पर सेक कर मैंने मलाई में से ये घी निकाला है और ये मावा बन गया है। इसको भी मैंने, ये देखिए, बादामी कलर का सेका है। ज़्यादा डार्क इसको नहीं सेकना है, अगर ज़्यादा डार्क सेकेंगे तो ये किसी भी काम नहीं आएगा, फिर फेंकने के काम आएगा। ये ऐसे आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों तरह से मलाई से मैंने घी निकाला है, गैस पे भी और माइक्रोवेव से भी। आप लोग भी ज़रूर से बनाकर देखिए और बताएं अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बनाकर देखिए इस तरीके से मलाई से घी और मावा दोनों, और बताएं अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए।